अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। तो तमाम क्वेश्चंस, तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके गेस्ट पेपर जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में सेकेंड ईयर का जो आप लोगों का उर्दू का पेपर है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है 20 नंबर का शेयरों की तशरी का, तो वो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इम्पोर्टेंट जो नज़में हैं और गज़लें हैं वो भी बताऊंगा और उनके जो इम्पोर्टेंट अशआर हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो वीडियो को जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह तमाम गेस्ट पेपर जो है एक एक करके जो है आप लोगों के साथ शेयर होंगे, तो इसलिए चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 2 आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें 2 पार्ट होते हैं 10-10 नंबर के। एक अलिफ पार्ट होता है जिसमें नज़मों के शेरों की तशरीह करनी होती है, और दूसरा जो है वो गज़लों का बे पार्ट होता है जिसमें गज़लों के शेरों की तशरीह जो है वो करनी होती है। तो दोनों ही शेयर करूंगा और इम्पोर्टेंट नज़में जो हैं वो भी साथ साथ बताऊंगा। अगर आप बेहतर तो यही है कि इम्पोर्टेंट जो नज़में हैं उनके तमाम अशार जो हैं वो कर लें, इस तरह इम्पोर्टेंट जो गज़लें हैं उनके भी तमाम अशार कर लें, बेस्ट तो यही है। लेकिन अगर आप जो है इस तरह नहीं करना चाहते तो मैं इम्पोर्टेंट जो है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हिस्सा अलिफ जो है ये आप लोगों का जो है 3 आपको 2 अशार दिए जाएंगे, उन 2 अशार की आप लोगों ने इकट्ठे जो है वो तशरीह करनी होगी, और 4 नंबर की एक तशरीह होगी। तो 2 अशार होंगे तो 8 नंबर की आप लोगों की तशरीह होगी। 1 नंबर जो है वो नज़म के उनवान को होगा और 1 नंबर जो है वो शायर का नाम जो होगा उसको होगा। टोटल जो है वो 10 नंबर का जो है वो हिस्सा नज़म के 2 अशार जो हैं वो 10 नंबर के होंगे। तो अहम अगर हम नज़मों की बात करें तो ये तरतीब के लिहाज से मैं बताता जाऊंगा। पहले नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नौजवान से खिताब है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके अशार जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं 2 अशार। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार है, तो पहला है तेरा शबाब अमानत, यहाँ से जो शेर जो है वो शुरू हो रहा है और इज़्तिराब पैदा कर पे जो शेर ख़त्म हो रहा है, तो ये जो है अशार जो है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तेरे कदम पे, यहाँ से जो अशार शुरू हो रहे हैं और शबाब पैदा कर पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ये जो है दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जलाल आतिश बर्क से जो अशार शुरू हो रहा है और रुबाब पैदा कर यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है, ये जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके आगे मैंने जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम जो है वो मैंशन किया हुआ है, बाकी जिनके आगे अहम मैंशन नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है वो इस्लामी मसावात है, तो इस्लामी मसावात का किसी कौम का जब यहाँ से जो शेर शुरू हो रहा है और उनका रहबर पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद परेशान अगर कैद से जो शेर शुरू हो रहा है, चमन गुलफशां है पे ख़त्म हो रहा है, और ये पहला सबक से जो शेर शुरू हो रहा है और रिश्ता वला का जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट इशार है। मतलब पहले नौजवान से खिताब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पर जो है वो इस्लामी मसावात जो है नज़म, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो है वो है हम्द, जो कि इम्पोर्टेंट है तरतीब के लिहाज से, तीसरे नंबर उसको रखा है। तो इसमें पहुंचता है हर एक यहाँ से लेकर नाम उसका, ये वाले अशार, हर एक ज़रा फजा से लेकर काम उसका है यहाँ तक वाले अशार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरी अफादगी से लेकर थाम उसका यहाँ तक वाले अशार, और हुई ख़त्म उसकी से लेकर तमाम उसका यहाँ तक वाले अशार, ये जो है हम्द के इम्पोर्टेंट अशार हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो रखा है वो है तगैयर, तो तगैयर जो नज़म है इसके जो चौथे नंबर पे, इसका सोए खजान से लेकर बदलना नसीबो तक वाला अशार, और शमश कमर को जिद से लेकर शबस्तान में इनकलाब, ये वाले अशार, तो ये दूसरा जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह जो है वो करना है। पाँचवें नंबर पर जो नज़म है वो कितआत है, कितआत जो है इसका पहला जो है शेर उजरा सादा नगर, ये वाला जो शुरू हो रहा है और हिसाब से जो है वो ख़त्म हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, और क्लर्कों से आगे से जो शुरू हो रहा है और भी है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो छठे नंबर पे जो है नज़म मोस्ट इम्पोर्टेंट वो नात है, इसके 3 अशार, सर महर से लेकर सारों का इख्तिताम खैर और बशर पे हो रहा है, साहब खल्क अजीम से लेकर खैर और बशर तक, और कार ज़ात दहर से लेकर खैर और बशर तक, तो ये छठे नंबर पर मैंने नात को रखा है और ये नात के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 अशार हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नज़म है वो है नात, और सॉरी आदमी, 7वें नंबर पे आदमी नज़म जो है, इसके भी 3 अशार हैं, था कभी इल्म आदमी से लेकर कार आदमी तक, कुल बलाती बस्तियों से लेकर बसियार आदमी तक, और उम्र भर अनवर से लेकर कम अजार आदमी तक, ये जो हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो अशार हैं।
उसके बाद आठवें नंबर पे जो रखी है वो है खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को, जिसका जो अशार है वो बहार आई खिले से लेकर अंबर फशा होकर, और नेक्स्ट है बलाय शाह गुल की से लेकर बांग अजा होकर। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अशार हैं। नामे नंबर पे जिसको रखा है वो है एक कोहिस्तानी सफर के दौरान, तो इसका जो अशार है एक बसीदा से लेकर जिन्हें हासिल नहीं है यहाँ तक वाले, और दसवें नंबर पे जो रखा है वह है सुराग रहरू, तो इसका है निशान हलाल नुमा से लेकर रहरू का यहाँ तक वाले अशार इम्पोर्टेंट है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के जो हैं वो नज़में थी, तरतीब के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट थी। तो अगर आप करनी चाहें तो पहले चार पाँच नज़में जो हैं वो पूरी कर लें, या फिर सारी कर लें, जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट अशार बताए हैं जस्ट उन्हीं की तशरीह जो है वो आप तैयार कर लें। तो इसका बे पार्ट जो है वो हिस्सा गज़ल है। हिस्सा गज़ल जो है इसके तीन अशार दिए जाते हैं एक ही गज़ल के, और उन तीन अशार जो हैं उनकी आप लोगों ने तशरीह करनी होती है। तीन नंबर की एक तशरीह होती है, तो नौ नंबर के अशार की तशरीह, और एक जो गज़ल के अशार का जो मुसन्निफ होता है जो शायर होता है उसका नाम लिखना होता है वो एक नंबर का होता है। तो टोटल ये भी दस नंबर का, तो बीस नंबर का जो है वो उर्दू का आप लोगों के साथ गेस्ट जो आज शेयर हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट गज़लों में सबसे पहले इल्लामा इकबाल की गज़लें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इनमें से अगर देखा जाए तो जिनके एंड में जो है वो अगही या रुबाही इस तरह वाली गज़ल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जब इश्क सिखाता है से लेकर बे आसरो अगही तक वाला अशार, ए तायर लाहूती से लेकर नहीं रुबाई तक वाले अशार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा खास तौर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार हैं। उसके बाद उनकी जो दूसरी गज़ल है सनम कदा ऐ से लेकर राह में है, तो ये जो है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार है। तो मतलब गज़लों के लिहाज से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इल्लामा इकबाल की नज़में हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ख्वाजा मीर दर्द, तो ख्वाजा मीर दर्द की जो नज़म है एंड में जिसका जो है वो जाते हैं आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़ल है। तो इसी के तीन अशार हैं, मौत क्या से जो शुरू हो रहे हैं लोग तो मर जाते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दीदो अदीद से जो शुरू हो रहे हैं उतर जाते हैं यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हम किसी राह से जो शुरू हो रहा है और किधर जाते हैं ये वाला जो है इम्पोर्टेंट शेर है। नेक्स्ट जो है वो मिर्ज़ा गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब की जो एंड में होना वाली गज़ल है जिसके हर शेर के एंड में होना आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके है बस के दुश्वार से लेकर हैरान होना, और इशरत कतल से लेकर अरिया होना, ले गए खाक से लेकर गुलस्तान होना, कि मेरे कत्ल के बाद से लेकर पेशमा होना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक उनकी दूसरी गज़ल ये फितना आदमी से लेकर इम्तिहान क्यों हो, ये जो है इम्पोर्टेंट है दूसरी गज़ल का। उसके बाद चौथे नंबर पे जिसको मैंने रखा है इम्पोर्टेंट के लिहाज से लिस्ट में वो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी हैं, तो इनका जो है दुनिया में जब तलक से लेकर करी रहा और रोने से काम से लेकर हजीर रहा, तो ये दूसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनकी दूसरी गज़ल का एक ही अशार है पर्द खाक में से लेकर बहारा लेकर, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नासिर काजमी, तो नासिर काजमी की जो गज़लें हैं उनमें एक शोर बरपा है से लेकर खामशी है अभी तक अभी ये वाला, और किन बे दिलों में से लेकर वो दीवार गिर गई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है अशार नासिर काजमी की जो गज़लें हैं उनके इम्पोर्टेंट हैं। छठे नंबर पे जिसको रखा है वो है फराख गौर खपूरी, तो इसकी जो नज़म है गज़ल है सॉरी जिसके एंड में थी आता है, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़ल है। तो इसका मैं अशार बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है अलायक से हूँ बेगाना से लेकर आरजी कब थी, और दूसरा अशार है ये दुनिया कोई से जो शुरू हो रहे हैं और शुरीदगी कब थी पे ख़त्म हो रहे हैं, ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सातवें नंबर पे जिसको मैंने लास्ट में रखा है वो है ताबिश दहलवी, इम्पोर्टेंस के लिहाज से सातवें नंबर पे। तो हर एक का तमन्ना से लेकर मुश्किल नहीं होता, कभी हर जलवा से लेकर हासिल नहीं होता, सुकून दरकार है से लेकर दर्द दिल नहीं होता, तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो अशार है ताबिश दहलवी के। तो ये भी तरतीब के लिहाज से जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई बात समझना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। उर्दू ऐसे जो है और इंग्लिश ऐसे वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो वो वीडियो देखनी हो तो वो भी आप लोगों को सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा। 12th क्लास या सेकेंड ईयर इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे गेस बाय मियाँ जाफिर स्टडी टिप्स, तो आपको टॉप पर जो है वो वीडियो जो है मेरी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।